मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने डिप्टी कलेक्टर की जमकर क्लास लगाई। जस्टिस अग्रवाल ने डिप्टी कलेक्टर अनुराग तिवारी से कहा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट ही हो गए हैं, क्योंकि आप हाईकोर्ट के फैसले की अपने मन मुताबिक व्याख्या कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अनुराग तिवारी ने जब अपने बचाव में तर्क देने की कोशिश की तो जज ने उन्हें चुप करा दिया। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि आप अदालत की बात को ध्यान से सुने, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। मामला दरअसल कुछ दिनों पुराना है। रीवा जिले में पदस्थापित डिप्टी कलेक्टर अनुराग तिवारी एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में हाई कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जज ने तिवारी के लिखित जवाब में कई कमियां निकाली। तिवारी ने अपने जवाब में लिखा था कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील खारिज की है, इसलिए यथास्थिति बहाल की जानी चाहिए। जवाब देखते ही जस्टिस अग्रवाल का पारा चढ़ गया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से पूछा कि खारिज करने का मतलब समझते हैं आप? यदि कोर्ट ने अपील खारिज कर दी तो आदेश में ये क्यों लिखा कि 90 दिन के अंदर दूसरे पक्ष को सफाई का मौका दें? आप तो लगता है सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं, आप हाईकोर्ट के आदेश को भी अपने हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं। आप लोक सेवा आयोग के जरिए इस पद पर आए हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि रद्द करने का क्या मतलब होता है। जस्टिस अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर से पूछा कि हाईकोर्ट के नोटिस की तामील हुई या नहीं। इस पर तिवारी ने जवाब दिया कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। ये सुनकर जस्टिस अग्रवाल फिर भड़क गए। डिप्टी कलेक्टर ने अपने बचाव में कुछ कहने की कोशिश की तो जज ने नसीहत दी। उन्होंने पूछा कि इसमें प्रक्रिया क्या होती है, आप सोच समझ कर बोलें और कोर्ट का आदेश ध्यान से सुने, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग होती है। जस्टिस अग्रवाल और डिप्टी कलेक्टर के बीच बातचीत का वीडियो अब वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।